साथियों, मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा जो बार बार ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या हमें 181 पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। देखो साथियों, मैंने बार बार आपको कहा है कि यदि आपका पेमेंट आ गया है और नहीं आया तब भी आपको शिकायत दर्ज करवानी है। देखो सभी को, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सभी को 181 पर शिकायत साथियों करवानी है। चाहे भले ही ना आपका अप्रैल का पेमेंट आ चुका हो, आप मई के बिल के लिए शिकायत दर्ज करवा दें। और ठीक है, जिनका अप्रैल का पेमेंट नहीं आया है, आप अप्रैल के पेमेंट के लिए शिकायत दर्ज करवा दी साथियों। ठीक है, आप कम से कम 2 या 3 बार शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि जो 181 डिपार्टमेंट है उस पर एक प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो 181 डिपार्टमेंट है वो सीधे आपके डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से क्या मांगता है भाई, जवाब मांगता है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा साथियों, क्यों आप ध्यान रखना, दुनिया में चाहे ऐसा कोई सा भी काम हो, बिना प्रेशर साथियों संभव नहीं हो सकता है। तो आप सभी को मिलकर अपनी ताकत यानी अपना जो संगठन है, अपनी जो एकता है, उसका एहसास दिलाना है साथियों। मुझे पूर्ण विश्वास है, आप देख लेना, इसका जो फायदा है आपको 3 या 4 दिन में देखने को मिल जाता है। तो सभी भाइयों से मैं बार बार ही निवेदन करता हूँ कि साथियों, आप 181 पर ठोक कर शिकायत करिए, क्योंकि आपका जो मई का बिल आने वाला है, उसके बाद जून का भी बिल जारी हो जाएगा। क्योंकि बिना दबाव के साथियों कुछ भी संभव नहीं है। और आप ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ना जितने भी सोशल मीडिया के हथियार हैं, उन सभी के माध्यम से भी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अशोक चांदना जी हैं, उनके नाम पर भी कुछ आप मैसेज कर सकते हैं कि माननीय श्रीमान जी, ऐसा जो इंटर्नशिप है इसको इस प्रकार से लागू की जाए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके, है ना। और बेरोजगारों को सही समय पर बेरोजगार भत्ता दिया जाए, ताकि उस भत्ते का जो फ़ायदा है वो सही समय पर हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक है ना। देखो, जब तक आप जागोगे नहीं साथियों, ये दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपकी मजबूरी का, आपकी सोई हुई नींद का वो फ़ायदा उठा ले जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए साथियों, जाग जाइए, चाहे आपका फॉर्म वेरीफाई क्यों ना पड़ा हो, आपको भी शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। ठीक है ना। जब तक किसी को परेशान नहीं करोगे, सामने वाला आपको जवाब नहीं देगा। इस बात को गांठ बांध लेना, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर करना, ताकि सभी एकजुट होकर बेरोजगार भत्ते की इस दौड़ में भाग ले सकें, और अपना जो बेरोजगार भत्ता है वो सही समय पर मिल सके, बिल सही समय पर पास हो सके, फॉर्म अप्रूव्ड सही समय पर हो सके। धन्यवाद।